नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। साउथ एक्ट्रेस राम्या कृष्णन आज अपना 53वां जन्मदिन मना रही है। राम्या ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। उन्हें फिल्मों में तकरीबन 37 साल हो चुके हैं, लेकिन ये साल काफी उतार चढ़ाव भरे रहे। राम्या ने 1986 से शुरू हुए अपने फिल्मी सफर में तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्में की, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी 2015 में आई फिल्म बाहुबली से मिली। इस फिल्म में राम्या ने शिवगामी यानी बाहुबली की माँ का किरदार निभाया था, जो काफी पसंद किया गया था। अब राम्या की गिनती साउथ की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से की जाती है। वैसे राम्या इस रोल के लिए पहली पसंद नहीं थी। ये रोल SS राजमौली ने सबसे पहले श्रीदेवी को ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया और फिर रोल राम्या को दिया गया, जिससे उनकी किस्मत चमक गई। दरअसल पहले इस रोल के लिए डायरेक्टर SS राजमौली की पहली पसंद श्रीदेवी थी। उन्होंने श्रीदेवी को इस किरदार के लिए अप्रोच भी किया था, लेकिन उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। श्रीदेवी ने स्क्रिप्ट सुनकर 6 करोड़ की फीस की डिमांड कर डाली, जिसके लिए राजमौली राजी नहीं हुए। फिर उन्होंने राम्या को शिवगामी के रोल का ऑफर दिया, जिसे एक्ट्रेस ने झट से स्वीकार कर लिया। ये रोल राम्या के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। वो इस रोल के लिए आज भी पहचानी जाती है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।